सेवाधाम आश्रम में राष्ट्रीय वर्षा मंगल महोत्सव पर पद्मश्री डॉक्टर एच आर नागेंद्र ने पौधारोपण किया। सेवाधाम आश्रम के 32वें वर्षा मंगल महोत्सव अंकित ग्राम वर्षा मंगल राष्ट्र उत्सव पर पद्मश्री डॉक्टर एच आर नागेंद्र कुलाधिपति एस व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु एवं संस्थापक स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था बेंगलुरु अरविंद चज्जेरी संस्था उपाध्यक्ष एवं सदस्य अकेडमिक काउंसिल एस व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु के साथ डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ग्लोबल कन्वेनर ऑफ यूनाइटेड कॉन्सिनेशनल एवं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर वसुदेव कुटुंबकम सिविल 20 4G 20 ने सुधीर भाई के साथ नीम का पौधारोपण किया। आश्रम के मुख्य द्वार पर सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल भाई जी आश्रम के नन्हे मुन्ने दिव्यांग एवं विशेष बच्चों ने सदगुरु बैंड के माध्यम से भव्य स्वागत किया। स्वागत पश्चात डॉक्टर नागेंद्र ने सहजता से आश्रम के दिव्यांग बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और सुधीर भाई द्वारा की जा रही मानव सेवा को सराहा। इस अवसर पर अंकित ग्राम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथ आर्यन का अवलोकन कर आश्रम के विशेष बच्चों द्वारा तैयार एडवांस योग का प्रदर्शन देख कहा कि इन बच्चों में योग का एवं नेचुरोपैथ के विषय में काफी गहन रुचि दिखाई देती है एवं यही भविष्य के योग की दिशा में अपना एवं सेवाधाम का नाम रोशन करेंगे। मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, फिर एक बार सेवा आश्रम में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चे जो अभी सीख रहे थे पिछले बार 6-9 महीने के पहले आया था, अभी पूरा से पूरा अच्छे ढंग से उसने सीख लिया और उसका एडवांस साथ साथ जो उन्होंने दिखाया है, पिरामिड दिखाया है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए वो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और इसी ढंग से उसके आगे प्रगति भी होना है और आगे बढ़ाने दीजिए और सब अच्छा होना है। इसी ढंग से सेवा हम के लिए बहुत अच्छा ऊपर प्रगति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज महाकाल के मंदिर में गए थे, महाकाल को भी हम पूरा सब पूरा नमस्कार करके प्रणाम करके उससे प्रार्थना किया है कि बहुत जो बढ़िया काम हो रहा है अभी आगे जाना है। धन्यवाद।